मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी जी की पत्रकार वार्ता। इंडिया गठबंधन पर जनता ने भरोसा जताया, मध्य प्रदेश में हार की जिम्मेदारी मेरी, पार्टी को मजबूत करेंगे जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव परिणाम सामने हैं और दो दिन पहले तक जो एग्जिट पोल दिखाकर भ्रम का जो वातावरण बनाया जा रहा था उस छल की हार हुई है। जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अधिनायकवाद और डिक्टेटरशिप को पसंद नहीं करती है। श्री पटवारी ने कहा कि हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने आम व्यक्ति पर असर करने वाले मुद्दे चुनाव के दौरान उठाए, जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, किसान समस्या एवं गरीबों पर यातनाओं को प्रमुखता से सामने रखा। जिन पांच न्याय की श्री राहुल गांधी ने बात की थी, जनता ने उस बात को सराहा एवं परिणाम उसके आसपास दिए हैं। पटवारी जी ने कहा कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम सभी ने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा और अच्छे परिणाम के लिए प्रयास किए, परंतु विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में घटित हुई हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि सरकार के धन और बल के प्रयास सफल हुए, परंतु पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं मध्य प्रदेश आए परिणाम को सिर झुकाकर स्वीकार करता हूं और इन परिणामों की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। श्री पटवारी ने आगे कहा कि पार्टी आत्ममंथन के साथ बदलावों के लिए तैयार है, इसमें नई सोच, विचार और व्यवहार का समावेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश की जनता बेहद जागरूक है एवं इंदौर में जिस तरीके से नोटा के रूप में जनता ने भाजपा के मुंह पर जो करारा तमाचा मारा है, वह भाजपा हमेशा याद रखेगी। अब सरकार मोदी जी द्वारा दी गई गारंटियों को पूरा करे और उन गारंटियों को पूरा करने में कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका लगातार निभाएगी। पत्रकार वार्ता में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के मीडिया सलाहकार के मिश्रा, मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक सहित मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी प्रवक्तागण भी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश से मुकेश सिंह की रिपोर्ट। देश में लोकसभा का चुनाव आज संपन्न हुआ है। पूरे चुनाव परिणाम लगभग आपके सामने। मैं माननीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी से निवेदन करूंगा कि पूरे चुनाव और इसके परिणामों पर एक विहंगम दृष्टि डालने की कृपा करें। ठीक है। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव के परिणाम का आज दिन है और दो दिन पहले तक जितने एग्जैक्ट पोल जिस तरीके का परिदृश्य बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी बता रही थी, जो एक वातावरण देश में झूठ बोलकर भ्रम फैलाकर चुनाव पर असर डालने का बनाया गया, मैं समझता हूं उसकी देश में हार हुई। अधिनायकवाद, सांप्रदायिकता और चुनाव में जो डिक्टेटरशिप की भावना, देश में जो डिक्टेटरशिप की भावना का एक तरह से हार है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश में जो आम आदमी के जीवन पर असर डालने वाले या परिवार के जीवन पर असर डालने वाले मुद्दों की पूरे देश में बातें की, वो चाहे महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की हो, चाहे किसानों की बढ़ती हुई परेशानियां और दिक्कतों की हो, चाहे आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी के जीवन को छूती हुई समस्याएं, दिक्कतें और यातनाएं हो, उस पर पांच न्याय की गारंटी की जो बात हुई, उसको देश की जनता ने जिया है, सराहा है। और उसके आसपास मैं गर्व से ये बात कहता हूँ कि लोगों ने उस भावना को जिया भी और उसी तरीके के परिणाम उसके आसपास दिए भी। जरूर मध्य प्रदेश के संदर्भ में आप सबके मन में सवाल होंगे। एक साथ एकजुटता से हमने खूब कोशिश की कि मध्य प्रदेश में परिणाम अच्छे आए। पिछली बार जो विधानसभा की हार हुई थी, उसके बाद जो तीन महीने बाद, चार महीने बाद ये चुनाव हुए, उन परिस्थितियों को जिस तरीके की घटनाएं घटी, चार महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो धन का और सरकार के बल का दुरुपयोग करके वातावरण निर्मित करने की कोशिश की, उसमें वो सफल हुई है। जहां तक प्रश्न है,
मध्य प्रदेश के परिणामों का सर झुकाकर परिणाम स्वीकार्य है और पूरी पार्टी एकजुटता से अवसर आ गया है, समय आ गया है कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूरी पार्टी एकजुटता से एक साथ होकर, जैसा मैंने पहले भी कई बार अपने वक्तव्यों में आप लोगों से आग्रह किया, प्रदेश की जनता से किया, कि हम आत्ममंथन के साथ पार्टी बदलाव के लिए तैयार रहे। ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ इस 3 महीने में, जिसमें एक नई सोच, एक नई विचार, एक नई व्यवहार की आवश्यकता है, जो हम जनता को छुएं, जनता के पास जाएं, जनता हमें पसंद करे। तो मैं मानता हूँ उसमें आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है, पार्टी भी ऐसा ही समझती है, सारे हमारे वरिष्ठ जन भी ऐसा ही समझते हैं। मैं फिर से जो जनादेश मध्य प्रदेश में मिला उसको आत्मसात सर झुका के करता हूँ, चूँकि पार्टी का नेतृत्व जिम्मेवारी मेरे पास है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी भी पार्टी की मैं लेता हूँ। दूसरी बात, जैसा कि देश में मैंने अभी कहा कि लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, पर ये मैसेज देश में हो गया है कि लोकतंत्र की रक्षा आम जनता करना चाहती है, संविधान की रक्षा भी देश के आम नागरिक करना चाहते हैं। आम देश के जनता ये चाहती है कि मीडिया की इंडिपेंडेंसी बने, इनका सम्मान बढ़े, ये लोकतंत्र की रक्षा करें, ये विपक्ष के साथ खड़े, और विपक्ष के साथ खड़े रह के हमारी जो भी सरकारें हो, वो चाहे प्रदेश की या देश की, उसको गलत कामों पर एक तरीके से सही रास्ते पे लाने में सहयोगात्मक भूमिका निभाए। इंदौर जिस तरह की लोकतंत्र की हत्या की पराकाष्ठा की, करीब 2.5 लाख के आसपास लोगों ने नोटा में अपना बटन दबाया, कैसा चुनाव था, लोग अपने आप निकले, एक ऐसी कुश्ती जिसमें एक ही पहलवान है और खुद लड़ रहा और खुद कह रहा है मैं जीत गया। मैं मानता हूँ ऐसे में आम जनता ने, इंदौर शहर की, स्वच्छ शहर की जनता ने उन लोगों के मुंह पे एक करारा तमाचा मारा है 2.5 लाख के आसपास वोट दे के नोटा में, कि आपने जो पाप किया है वो माफ करने योग्य नहीं है। फिर से ज़्यादा विस्तार में बात नहीं करते हुए, जरूर मोदी गारंटी की गारंटी देश ने नकार दी है और मोदी गारंटी की अब कोई गारंटी बची नहीं है। मध्य प्रदेश में आवश्यकता है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, वो जो बातें मोदी गारंटी के नाम पर करके वोट लिए उसको लेकर कांग्रेस पार्टी अपने विपक्ष की धार को बढ़ाए, बिना डरे आंखों में आंखें डालकर अपनी भूमिका निभाए। मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और कांग्रेस पार्टी जो जनादेश मिला उसको स्वीकार करती है और अपनी ताकत को, अपनी आइडियोलॉजी को घर घर ले जाने के साथ साथ विपक्ष की भूमिका पूरी ताकत से, जैसा कांग्रेस से आम जन अपेक्षा करता है वैसे निभाएगी। धन्यवाद। हाँ, ये बार बार बातें आ रही कि एक ऐसा सर्वे था जो इसके आसपास है, पर उसकी तारीफ तो करना मैं भी चाहता हूँ, कई लोग चाहते हैं, पर वो कब करेंगे, जब परिणाम पूरे आ जाएंगे। जब परिणाम आधे अधूरे और फिर उसके सर्वे का अगर हम तारीफ करें, आपका विश्वसनीयता बढ़ी है, इसके लिए आपका स्वागत भी है, सम्मान भी और धन्यवाद भी है। मेरे वक्तव्य में मैंने कह दिया, कुछ कमी रही होगी तभी चुनाव हारे हैं, इसीलिए तो कहा जिम्मेवारी ली है और सही मायने में उसका चिंतन मनन करके आगे की बातें करेंगे। चुनाव के अभी चूंकि परिणाम पूरे आए भी नहीं है, अभी एक भी सीट का परिणाम मध्य प्रदेश में नहीं आया है, तो इस स्थिति में नेतृत्व मेरे पास है, उसके उसकी सारी जिम्मेवारी स्वाभाविक है मुझे लेना है। हाँ दिनेश,